हेलो फ्रेंड, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC नेट क्रेकर में आपका स्वागत है। राजकीय पॉलिटेक्निक नवादा बिहार में अतिथि व्याख्याताओं हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। लाइब्रेरियन के लिए भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस विज्ञप्ति में विभिन्न संकाय के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें अतिथि व्याख्याता शैक्षणिक योग्यता और मानदेय हैं। इसमें अतिथि व्याख्याताओं में असैनिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिकी, भौतिकी के लिए, तो यांत्रिकी तक का क्वालिफिकेशन में BTEC या BSc इंजीनियरिंग प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। भौतिकी के लिए प्रथम श्रेणी के साथ MSc उत्तीर्ण होना चाहिए। और रसायन शास्त्र के लिए भी सेम है, गणित के लिए MA या MSc प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अंग्रेजी के लिए संबंधित सब्जेक्ट में MA प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इन सभी पदों के लिए 800 प्रति वर्ग कार्य अधिकतम है और 30,000 रुपये प्रति माह सैलरी यानी कंसोलिडेट मानदेय के रूप में सैलरी दी जाएगी। सीरियल नंबर 2 में अतिथि अनुदेशक का पद है, इसमें फिल्टर एंड मैकेनिस्ट का पद है। क्वालिफिकेशन में संबंधित सब्जेक्ट में डिप्लोमा प्रथम श्रेणी के साथ या ITI प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और 400 प्रति वर्ग कार्य अधिकतम है, 13,000 रुपये कंसोलिडेट मानदेय के रूप में दी जाएगी। सीरियल नंबर 3 में अतिथि प्रयोगशाला सहायक का पद है, जिसमें यांत्रिकी, विद्युत, असैनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स का पद है। इसमें संबंधित सब्जेक्ट में डिप्लोमा प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और सैलरी 14,000 रुपये मानदेय हैं। सीरियल नंबर 4 में अतिथि प्रयोगशाला सहायक भौतिकी रसायन शास्त्र के लिए है, जिसमें BSc प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, सैलरी सेम है। और अगला जो हमारा सीरियल नंबर 5 में अतिथि पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन का पद है, इसमें भी मान्यता प्राप्त संस्था से लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा अथवा लाइब्रेरी साइंस से स्नातक क्वालिफिकेशन है और अधिकतम सैलरी 14,000 रुपये प्रति माह सैलरी है। आरक्षण नियमों का पालन नियमानुसार किया जाएगा, जो इसमें देख रहे हैं। इस सभी पदों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो 65 वर्ष आपकी आयु सीमा है, तो भी आप एलिजिबल है, यानी सेवानिवृत्त हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर डिटेल जानकारी के लिए इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है जो आप देख रहे हैं। इसके बाद हम इसको ऊपर आते हैं, यहाँ पे डिटेल जानकारी दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना है कि आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है, जो वेबसाइट का लिंक दिया है। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए अलग से लिंक दे दूंगा और आपको यह विज्ञप्ति डाउनलोड करने के लिए अलग से लिंक दूंगा, क्योंकि दो लिंक है इन दोनों के लिए, तो आपको दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। इसके साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के साथ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अंक प्रमाण पत्र, अन्य शैक्षणिक और अनुभव प्रमाण पत्र को स्वप्रमाणित यानी अटेस्टेड करना है, स्व हस्ताक्षर करनी है। डाक या स्पीच पोस्ट के द्वारा जो इसमें एड्रेस दिया है, इस एड्रेस पे सेंड करना है। और इसमें आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 16 अगस्त 2021 अपराह्न 4 बजे तक निर्धारित की गई है, यानी 16 अगस्त 2021 को 4 बजे से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचना चाहिए। इसमें कोई लिखित में एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है और यह शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, जिसके बारे में डिटेल जानकारी आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि यह सूचना सबके पास पहुंच जाए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, क्योंकि अपडेट और न्यू वीडियो की जानकारी आपको पहले मिलेगी।